अभी तक हमारे हिसाब से तो ऐसा कोई धाम नहीं मिला। अच्छा अच्छा, सबसे बड़ा धाम यही है। बड़ा तो सभी रहते हैं, लेकिन यहाँ पे हर चीज का सलूशन है। अच्छा, कुछ लोगों का कहना ये है कि जो है वहाँ पर झूठ है, खबरें भी चला देते हैं कुछ पत्रकार, उनको क्या कहेंगी आप? वो लोग गलत। यहाँ पर सेवा भी कर रहे हैं क्या आप? हाँ, थोड़ी बहुत सेवा भी कर देते हैं। और अपना है ये जो लॉकेट है, इससे पता चल रहा है कि आप यहाँ पर सेवा में संबोध कर लेते हैं। तो बढ़िया धाम है। कितना दिन से आए हैं? मुझे 3.5 महीने। उनकी तो लीला ही अपार है, लीला ही अपार है उनकी तो, साक्षात्कार ईश्वर है। सारी की तरह हैं, जिनने उनने इतना अच्छा काम किया है कि लाखों लोगों को यहाँ से ठीक किया है। क्या समस्या लेकर आए थे आप? हमारी जो भी समस्या थी, यहाँ आते ही हमारी सही हो गई, सब हर सही हो गई। अब ये जो भीड़ देख रहे हैं आप, ये भीड़ बागेश्वर धाम महाराज का दर्शन करके लौट रही है। उधर से जाते हैं और उधर से परिक्रमा करते हुए वापस आ जाते हैं। आइए दिखाते हैं आपको कि किस तरह से जो है लोग आ रहे हैं दर्शन करके। समझ रहे हैं आप? क्या नाम है आपका? ये जान लीजिए दर्शकों कि क्या कहते हैं, यहाँ पर आपको जो श्रद्धालु मिलेंगे, समझ रहे हैं, आते रहेंगे जाते रहेंगे। और रुकिए जरा थोड़ा, क्या नाम है आपका? मुकेश जी। कहाँ से आए हैं? हम मथुरा से आए हैं। मथुरा से आए हैं, क्या श्रद्धा है, किस तरह का श्रद्धा भाव रहता है यहाँ पर आने के? यहाँ पे जितने आस्था लोग आते हैं, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और गुरु महाराज जी एक भगवान की तरह हैं, और वो एक अवतारी की तरह हैं, जिनने उनने इतना अच्छा काम किया है कि लाखों लोगों को यहाँ से ठीक किया है। क्या समस्या लेकर आए थे आप? हमारी जो भी समस्या थी, यहाँ आते ही हमारी सही हो गई, सब हर सही हो गई। ये जान लीजिए, यहाँ पर इस तरह की कृपा होती है, और जो श्रद्धालु आते हैं यहाँ पर, वो दर्शन करते हैं और क्या कहते हैं जाते हैं। क्या नाम है आपका? विनीता नाम। कहाँ से आई हैं? ललितपुर से। तो अच्छे बताइए, जो समस्या लेकर आते हैं आप लोग, उसका निदान करते हैं बाबा जी? बिल्कुल बिल्कुल, पूरा होता है हमारा निदान। परिवार के साथ आई हैं? हाँ नहीं, परिवार के साथ नहीं, अभी तो मैं अकेली आई हूँ। लेकिन हमारा, हाँ, जो समस्या लेके आए थे वो समस्या हमारी पूरी हो गई, सही हो गया वो। क्या नाम है आपका? रजनी। आप माता जी हैं आपकी? नहीं, बुआ है। बुआ है, साथ में आई हैं। अच्छा, क्या कहेंगी बागेश्वर धाम सरकार के बारे में, किस धाम के बारे में? अभी तक हमारे हिसाब से तो ऐसा कोई धाम नहीं मिला। अच्छा अच्छा, सबसे बड़ा धाम यही है? बड़ा तो सभी रहते हैं, लेकिन यहाँ पे हर चीज का सलूशन है। अच्छा, कुछ लोगों का कहना ये है कि जो है वहाँ पर झूठ है, खबरें भी चला देते हैं कुछ पत्रकार, उनको क्या कहेंगी आप? वो लोग गलत है। अच्छा जी। अच्छा, रोज कितने लोग आ जाते होंगे यहाँ पर? लाखों करोड़ों लोग आ रहे हैं। अच्छा अच्छा, यहाँ से कितना दूरी पर है आपका घर? कितना दूर है यहाँ से? काफी दूरी है ना, ललितपुर। दर्शन वर्शन हो गया? हाँ, मंदिर के दर्शन हो गए, महाराज जी के कल नाइट में हो गए थे। अच्छा, महाराज जी का भी दर्शन करेंगी कल नाइट में? हाँ। ये जान लीजिए, आपको बता दें, ये श्रद्धालु हैं, इनके अंदर बस वही रहता है, श्रद्धा है बाबा के प्रति, बागेश्वर धाम के प्रति। और ये देख सकते हैं लंबी लंबी लाइनें हैं, और यहाँ पर इस वक्त आपको भीड़ दिखाई दे सकता है ज़्यादा, और देखते जाइए आप। और ये लोग अब जो है वापस आ रहे हैं दर्शन करके। कहाँ से आए हैं आप? ग्वालियर से। ग्वालियर से। क्या कहेंगे बागेश्वर धाम के बारे में? बागेश्वर धाम की तो लीला ही अपार है, लीला ही अपार है उनकी तो, साक्षात्कार ईश्वर है। ये जान लीजिए, चलते रहिए चलते रहिए, ये देख सकते हैं आप जिस तरह से इनके अंदर श्रद्धा भाव है बागेश्वर धाम के प्रति, वो छलकता है। और यहाँ पर जब आते हैं तो जयकारे ही जयकारे गूंजते हैं। क्या नाम है माता जी? प्रतिमा। कहाँ से आई हैं? बिधुनु से। तो क्या कहते हैं, यहाँ पर जो समस्या लेकर आई है उसका समाधान हो गया? हाँ, समाधान हो गया। हाँ, क्या समस्या थी? अब समस्या खुल के बताई तो नहीं जाती अभी। अच्छा अच्छा, बाकी साल हो गया? हाँ, साल हो गया। हाँ, ये जान लीजिए, लोगों का कहना ये है कि समस्याओं का जो है समाधान होता है यहाँ पर आने के बाद। बाकी आप भीड़ देख सकते हैं, और यहाँ पर पुरुषों का संख्या, महिलाओं का संख्या, बच्चों का संख्या बराबर है।
क्या नाम है आपका? सुशीला। कहाँ से आई हैं? कानपुर से। कानपुर से आई हैं। ये जान लीजिए काफी दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं और बहुत ही प्रसिद्ध दरबार है, बहुत ही फेमस दरबार है। मथुरा से आए हैं, मथुरा से आए हैं। ये जान लीजिए मथुरा से आई हैं। बागेश्वर धाम के प्रति लोगों की श्रद्धा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और यहाँ पर जो भीड़ है दिन प्रतिदिन दोगुनी होती जा रही है। ये जान लीजिए ये छोटा सा बच्चा है, देखिए चंदन टीका कर रहा है। हम ग्वालियर से आए। ग्वालियर से? आप भी एमपी ग्वालियर? अच्छा। महाराज की 14 तारीख से कथा करने जा रहे हैं इधर दंदरुआ धाम में। हाँ, तो फिर उसके बाद वहाँ पर सम्मिलित हो? हाँ, उसमें 5 दिन वहीं रहूंगा, वहीं सुनूंगा। अच्छा, बाकी आप देख सकते हैं, देख लीजिए भीड़, ये आप इस वक्त लाइव देख सकते हैं और आपको घर बैठे देख रहे हैं, समझ रहे हैं, घर बैठे इस धाम का जो है दर्शन कर रहे हैं। देखिए लोगों की जो भीड़ है। क्या नाम है दादा? हमें चाहिए दादा का नाम नहीं बताएंगे। ये जान लीजिए कहाँ से आए हो? बांदा जिला से आए। बांदा जिला से आए हैं। क्या कहेंगे इस धाम के प्रति? बहुत अच्छा धाम है, जो भी व्यक्ति यहाँ आता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। बहुत अच्छा धाम है। अच्छा, अच्छा। जी, ये जान लीजिए जो भी आता है मनोकामनाएं पूर्ण होती है उनका, इनका कहने का वही है। क्या नाम है आपका? मेरा शमशेर सिंह नाम है। कहाँ से आए हैं आप? बिजनौर। अच्छा, बिजनौर। अच्छा, यहाँ पर सेवा भी कर रहे हैं क्या आप? हाँ, थोड़ी बहुत सेवा भी कर देते हैं। और अपना ये, है। ये जो लॉकेट है इससे पता चल रहा है कि आप यहाँ पर सेवा में संबोध कर लेते हैं। सो बढ़िया धाम है। कितना दिन से आए हैं? मुझे 3.5 महीना हो गया। 3.5 महीने से यहाँ पर है। अभी कब तक रहने का विचार है? बस 2-4 दिन और रहेंगे, चले जाएंगे। 2-4 दिन के बाद चले जाएंगे। कहाँ से आए हैं? बिजनौर। बिजनौर से। सबकी मनोकामना पूरी होती है तो भैया हमारी भी होगी। अच्छा, हम भी आस लगाए बैठे की हमारी, श्रद्धा भाव के साथ आस लगाए बैठे है ना? बिल्कुल होगी। जान लीजिए दर्शकों, पूरी श्रद्धा, बस और क्या, श्रद्धा भाव के साथ आस लगाए बैठे है कि जो है हमारी समस्याओं का समाधान यहाँ पर बागेश्वर धाम सरकार, बागेश्वर बालाजी जरूर ही समाधान की समस्या का समाधान करेंगे, करेंगे, करते हैं। और देख सकते हैं, देखते रहिए, ये भीड़ देखिए, भीड़ देखिए, और इनके अंदर वही श्रद्धा रहता है जो है, और जो है भक्ति भाव में लीन जो है। कुछ लोग यहाँ पर जयकारे भी लगाते हैं, जब आते हैं लौट करके वापस आते हैं तब भी जयकारे, और जब जाने लगते हैं तब पर भी जयकारे ये लोग लगाते रहते हैं। बाकी आप देख सकते हैं भीड़, देख सकते हैं भीड़ का जो है कोई अंत नहीं है। और मंगलवार के दिन और शनिवार के दिन जबरदस्त भीड़ यहाँ पर देखने को मिलती रहती है, ये जान लीजिए आप। बाकी आप देखते रहिए ये भीड़ बागेश्वर धाम की, इस तरह से लोगों के अंदर श्रद्धा है, श्रद्धा भाव है। अभी अभी लगाते हैं, अभी लगाते हैं। और बाकी ये देखिए, आ जाइए, आ जाइए, इधर आ जाइए, पूछते हैं क्या नाम है आपका, कहाँ से आई हैं? अलीगढ़ जिला से। अलीगढ़ से? ये जान लीजिए उत्तर प्रदेश के दिल्ली से आए हैं, बस्ती से आए हैं, गोंडा बस्ती जिला से। कोई समस्या लेकर आए? समस्या भगवान जो चाहेगा वही होगा। अच्छा, अच्छा। समस्या लेके आए हैं, जो हमारा होगा ऊपर वाला जानेगा, बालाजी महाराज जानेंगे, सन्यासी बाबा। अच्छा। और हम उसमें क्या कर सकते हैं? ये जान लीजिए दर्शकों, यहाँ आने के बाद आपको लगेगा शनिवार या मंगलवार आप आते हैं तो भीड़ थोड़ा ज़्यादा है, और भीड़ के कारण हो सकता है आपको थोड़ा अव्यवस्था लगे, लेकिन हाँ दर्शन करने का अगर आपका लक्ष्य है तो वो जरूर आपका दर्शन करने का पूरा जरूर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।